अमृतपान करके गुरु वाले बनो। इसे तरह 40 दिन का जाप गुरद्वारा श्री गुरसिंह सभा हैवलक गुरु नानक रोड विखे नवे साल आने की खुशी विच 40 दिन का सिमरन जाप चलना है। उत्थे भी आप संगत ने हाजरे भरिया ने आओ, बड़े प्यार सत्कार नाल गुरमत विचारों गुर इतिहास समझ करके लाभ प्राप्त करो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु गुरु नानक पाद पंकज बंदन, पाद पंकज बंदन, सिमरो अंगद दुख निकंदन, अमरदास हृदय नित त्यावो, हृदय नित त्यावो, श्री गुरु रामदास गुण गावो, श्री अर्जन विघ्नन के नाशक, विघ्नन के नाशक, हर गोविंद शुभ सुमत पर काशक, श्री हर राय नमो कर जोरी, नमो कर जोरी, श्री हर कृष्ण मनाऊं बहोरी, तेग बहादुर परम कृपाला, सतगुर परम कृपाला, श्री गुरु गोबिंद सिंह बिसाला, तरों तरा पर पुन पुन सीसा, वाहिगुरु पुन पुन सीसा, बंदो बार बार जगदीसा, जिस महे अमृत ज्ञान है माणक भगत वैराग, श्री गुरु ग्रंथ साहिब उदद बंदो कर अनुराग, कहाँ बुद्ध प्रभ तुष हमारी, वर्ण सकै महिमा जो तुहारी, हम ना शक्त कर सिफत तुम्हारी, आप ले हो तुम कथा सुधारी, एक अंकारा सतगुरु तेह प्रसाद सच होए, वाहिगुरु जी की फतेह है, विघ्न विनाशन सोए, एक अंकारा सतगुरु ते प्रसाद सच होए, वाहिगुरु जी की फतेह है, विघ्न विनाशन सोए। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ, दोहरा धर्म माहे होवत कन, तन मै थे किश ऊन, किश कुल को कुश उन्हें को, आए प्रगट्यो बड पून, धर्म माहे होवत कन, तन मै थे किश ऊन, किश कुल को कुश उन्हें को, आए प्रगट्यो बड पून। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। चवर शबर तख्त दे मालक, धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी दी, पावन पवित्र निकी गोद दे अंदर जुड़ बैठे गुरु स्वरूप खालसा साध संगत जी, बीते दिनां तों इतिहास दी लड़ी वार कथा दे अंदर आप जी सरवण कर रहे सो के भाई रतन सिंह जी पंगू सतगुरु गुरु नानक साहब जी दी आमद बारे ब्रिटिश सरकार दे मरी कप्तान नू दसदे ने, किस तरह सतगुरु गुरु नानक साहब दा राय भोए दी तलवंडी दे विच आगमन होया, अज दे दिन गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जी दे बरताए चोजां बारे आपां सरवण करना है। आओ एक बार सारे प्रेम नाल सब तो पहला धन गुरु नानक साहब नू याद करते हुए सारी प्रेम नाल आखो जी धन गुरु नानक, एक बार फिर प्रेम तो उच्चारण करो जी धन गुरु नानक,
धन सतगुरु गुरु नानक साहब जी की वडियाई सरवण करनी है। सतगुरु की अपार बख्शिश दे नाले समा प्राप्त होया है। मने बिरतियां एकागर चित करते हुए साहिबां नूं सीस झुकाउंदे हुए प्रेम सहित उचारण करिए जी सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी, सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी। दोहरा धर्म माहे होवत कने तन मैथे किशून। भाई रतन सिंह जी पंगू सतगुरु गुरु नानक साहिब महाराज जी दे अति सत्कार योग पिता महता कालू जी धन मां माता त्रिपता जी बारे दसदे ने कि वह माता पिता धर्मी बहुत ने, इबादत वाले ने, बंदगी वाले ने। इस कारण करके उन्हां दे घर विच खुद परमेश्वर आया। माँ प्यो धर्मी होवे ते संतान औलाद बच्चे धर्मी हुंदे ने। माँ प्यो ने बंदगी कीती होवे, इबादत कीती होवे, बच्चे भी धर्म ते चलण वाले हुंदे ने। सो धन संसार दा भावें घट होवे पर कहिंदे उन्हां कोल नाम दा धन बड़ी वड्डी गिणती विच है। किश कुल को कुछ उने को आए प्रगट्यो बड़ पून। इन्हां दी सारी कुल ही धर्मी सी। वेद पढ़न वालियां नूं वेदी कहा जांदा सी, धर्म दा ज्ञान रखदे सन। इस करके ये कुल भागां वाली बन गई क्योंकि इस कुल दे अंदर साहिब सतगुरु गुरु नानक साहिब दा प्रकाश होया। पल साहित्यो पल कड़ी पलो नछत्र जोग। खालसा जी सतगुरु गुरु नानक साहिब दा जदों आगाज होया भाई रतन सिंह पंगू कहिंदे ओ घड़ियां भी भलियां हो गईयां, ओ समा भी भला हो गया, धनता योग हो गया ओ समा जदों मेरे प्यारे सतगुरु गुरु नानक साहब ने धरती ते प्रकाशमान होके नाम दा निग वरता दिता। खालसा जी आपां पुछदे आ समा केड़ा चंगा है, केड़ा समा चंगा है जदों कोई काम शुरू करिए, केड़ा दिन चंगा है। इतिहास तों सेध लईए कहिंदे जदों रसना ते धन गुरु नानक आ जावे समझ लई सब तों चंगा समा उही है। जिस दिन रसना ते जिस दिन तेरी याद दे विच गुरु नानक वस जावे गुरु क्या सिखा, उस तो चंगा दिन तेरी दुनिया विच कोई हो नहीं सकदा। ओ दिन सब तो चंगा है जो गुरु नानक दी याद तेरे हिरदे विच वस जावे। सो भाई रतन सिंह पंगू कहंदे ओ घड़ियां ओ समा ओ सम्मत 1526 ओ धनता योग हो गई क्योंकि उस दिन मेरे प्यारे सतगुरु गुरु नानक साहब ने अवतार धारिया। पली रासों ग्रह पले अवसर पले संयोग। बच्चे दे जन्म वेले पुरातन समय दे विच विपर लोक ब्राह्मण लोक ग्रह नक्षत्र वेखदे सी, कहंदे अज ग्रह नक्षत्र रुत्तां कहंदे ओ भी गुरु नानक साहब दे चरण परसन वास्ते आ गईयां क्योंकि खुद खुदा ने अवतार धारिया है। जन्मत ही तह मात पित बढ़ो बहुत प्रताप। जन्म तो ही सतगुरु गुरु नानक साहब ने अपना प्रताप वधा लिया। माता पिता ने सतगुरु दे उस प्रताप दे दीदारे भी किए। खालसा जी जो रब है जो खुदा है उन्हू दसना नहीं पैंदा कि मैं रब हाँ मैं खुदा हाँ। जिस तरह बगीचे विच गुलाब का फुल खिड़िया होवे एक पासे असल विच गुलाब दा फुल होवे ते गुलाब दे फुल दे सामने लिखना नहीं पैंदा कि ए असल है असली है क्योंकि गुलाब दे फुल दी खुशबू ने दस देना कि गुलाब दा फुल है, गुलाब दे फुल दी महक ने दस देना है। पर एक पासे कागजी फुल होण उन्हां उत्ते सजावट भी ज्यादा करनी पैंदी है, लोकां नूं खिच्चण वास्ते उन्हां दे उत्ते लिखिया जांदा है कि इस फुल दी नकल बनाई गई है। नकल ते असल विच बड़ा फर्क है। संसार दे तख्ते ते अज असली रब प्रगट होया ते कहिंदे गुलाब दे फुल दी महक तों भी वध महकां फैला दित्ती। खालसा जी ये गुरु नानक दी महक है। गुरु घर दी दहलीज तों बाहर जाने आ वातावरण हो रहा है, ओरा हो रहा है, आहला दुआला हो रहा है। जदों गुरु घर दी दहलीज तों अंदर आ जाने आ ते इस तरह प्रतीत हुंदा है डिठे सबे थाव नहीं तुद जे हिया बदहों पुरख विधाते तातू सोहिया। सो सतगुरु गुरु नानक साहब ने जन्म तों ही
ऐसा प्रताप वधाया जय जयकारा होण लग पिया। रिद सिद्ध नौ निद युत दियो भूम तन आप। हुन नव निधि अठारह सिद्धि पाछे लगियां फिरें जो हर हिरदै सदा वसाई। जेड़ा रब दे नाम नू हिरदे च वसा लवे रिद्धियां सिद्धियां ते ओदे मगर लग जांदियां। माया दासी भगतां की माया ओदे पिछे दौड़न लग जांदी है जेड़ा नाम नू हिरदे च वसाए। ते कहंदे इत्थे ते खुद खुदा संसार दे तख्ते ते आया ते जदों संसार दे तख्ते ते राय भोए दी तलवंडी महता कालू जी दे घर रब ने प्रगट होके चोज वरताए। रिद्धियां सिद्धियां संसार दी माया ए सारे महता कालू जी दे घर धन गुरु नानक साहब जी दे चरण परसन वास्ते आ गईयां। खालसा जी ये सच है जीवन दे विच जदों कोई कमी जापदी है कोई घाटा जापदा है ते मन विच आउंदा किस तों जाके अरदास कराईए किदे कोल जाके मंगीए। मैं बेनती करां सतगुरु गुरु नानक साहब दा नाम ही रसना ते आ जावे ते गुरु नानक साहब दा नाम मंगण जोगा छड़दा ही नहीं बादशाह बना दिंदा है। सो ये सतगुरु गुरु नानक साहब दा प्रताप है संसार दियां दौलतां रिधियां सिद्धियां बाबा नानक जी दे चरण परसन वास्ते आईयां हन। चौपाई अवल गडन को प्रिथी खुणाई। सो पुरातन समय दे विच पंजाब दे विच एक रीत सी के जदो बच्चा जन्म लैंदा सी गर्भ तो बाहर आउंदा सी ता उस वक्त दाई नाड़ी कट करके उसनू आवल कहा जांदा सी। जदो नाड़ी कट देंदे ते उसनू मिट्टी दे विच नपया जांदा सी इसनू एक चंगा शगन मन्या जांदा सी। सो कहंदे उसे लोक मर्यादा अनुसार हुण भी उसे तरह आवल नू नपण वास्ते मिट्टी दी खुदवाई करवाई। तां दरब तिस नजरी आई पर वेख्या जदो टोया पटिया मिट्टी पुट्टी ते उस टोए दे विचों बहुत सारा धन निकलिया। मात पिता दिल वध्यो हुलास ए सतगुरु गुरु नानक साहिब महाराज दी कृपा। गुरु नानक दी नदर मिट्टी वल हो जावे मिट्टी सोना बन जांदी है। गुरु नानक दी नदर किसे इंसान ते पै जावे इंसान नू भगवान बना देंदी है। जिन मानस ते देवते किए करत न लागी वार ए गुरु नानक दी निगाह है। जिदे ते निगाह हो गई ओ लहने तो गुरु अंगद साहब हो जांदा है। खालसा जी ओ निगाह अज मिट्टी दे टोए ते पई ओ धनवान हो गई। माता पिता ने कौतक वेख्या हैरान हो गए बिस्माद हो गए। पंडित साध पुछियो बड़ खास ता उस वक्त फिर कहंदे पुरातन लोक मर्यादा अनुसार अपने घर दे पुरोहित पंडित नू बुला करके अपने पुत्र अपने संतान बारे पुछदे ने। मैं एक बेनती करा कई बार मन दे विच आवेगा के पंडित शब्द जां इस तरह दियां मर्यादावां बारे क्यों दसिया जा रहा है। खालसा जी गुरु नानक साहब दा हजे आगाज होया है हजे बाबे नानक ने निर्मल पंथ दी आरंभता करनी है। मारिया सिक्का जगत विच नानक निर्मल पंथ चलाया पर गुरु नानक साहब दे आउण तों पहलां दियां जो लोकाचारी मर्यादा सन ओह तां उसे तरह निभाईयां जा रहियां सन। इह तां फिर सतगुरु गुरु नानक साहब ने रब दे नाल खुदा दे नाल जोड़िया। सो हुण गुरु नानक साहब दा आगाज़ होया ते घर दे अपने कुल दे पुरोहित नूं पंडित नूं बुलाउणा कीता। दोहरा पंडित टेवा लिख तरयो मन में बड़ सुख पाए। हुण जदों पंडित जी आए धन गुरु नानक साहब दे चेहरे दे उत्ते बुलियां ते मुस्कराहट ऐसी सी के मोहे गए। जदों सतगुरु गुरु नानक साहब दा आगाज होया ना ते जन्म साखी दे भी बोलने अवर बालकां का सुभाव रोवने का उआ उआ पर गुरु बाबे का सुभाव यही करै तेरो नाओ तेरो नाओ तेरो नाओ ही करे। खालसा जी कहंदे जदों बच्चे जन्म लैंदे ने संसार विच रोंदे ने पर गुरु नानक साहब प्रकाशमान होए ते रोए नहीं। गुरु नानक साहब दे बुलियां ते मुस्कराहट सी क्योंकि ओह मुस्कराहट भी दस रही सी कि बाबा नानक ते रोंदियां नूं हसाउण वास्ते आया। जदों पंडित ने भी बाल रूप दे विच गुरु नानक साहब दे दीदारे किते मन गदगद हो गया।
अंतरमुखी सुख मिल गया ते गुरु नानक साहब दे चरणा ते नमस्कार कीती। मुड़ मुड़ बालक रूप लख मंद मंद मुस्काए। कहंदे दिल करदा सी मैं बार बार गुरु नानक दे दीदारे करा, सतगुरु गुरु नानक साहब दे प्रतापी चेहरे नूं बार बार वेखदा ते अपने मन दे विच बड़ा खुशी महसूस करदा, प्रसन्नता महसूस करदा। मैं एक खिण मात्र बेनती करा कि प्यार दे नाल भावना नाल जो गुरु ग्रंथ साहब दे दीदारे करिए, साडा भी नेम होवे कि एक बार गुरु ग्रंथ साहब दे दीदारे करिए ते दिल करे मैं एक बार होर दीदारे करा। जे मान लो एक अंग सहज पाठ दा कीता है ते दिल करे मैं होर एक अंग कर लवां। मन विच आउंदा गुरु साहब की कृपा कदों हुंदी है, कृपा की निशानी की है। खालसा जी जदों एक जपजी साहब करके दिल करे मैं एक जपजी साहब होर कर लवां, समझ लो गुरु नानक की कृपा हो गई है। जदों एक पंक्ति पढ़ के दिल करे मैं सारा अंग गुरु ग्रंथ साहब के सहज पाठ विच हाजरी ला लवां, समझ लईए गुरु नानक साहब की कृपा होण लग पई है। गुरु ग्रंथ साहब के दीदारे बार बार करन नूं मन करे, दिल करे मैं बस गुरु ग्रंथ साहब नूं वेखी जावां वेखी जावां, समझ लियो गुरु नानक दी कृपा वरतन लग पई है। अज पंडित गुरु नानक साहब दे दीदारे करदा है, दिल करदा है मैं इस बाल रूप इस गोबिंद राय सतगुरु गुरु नानक साहब महाराज सच्चे पातशाह गोबिंद तो भाव जेडे कण कण दे विच समाए ने, जिन्हां संसार नूं अपने हुक्म दे विच बन्निया है, उस बाल रूप सतगुरु दे दीदारे करदा रवां। चौपाई टेवा पंडित धरियो लिखाए। तां हुण पंडित जी ने टेवा लिख धरिया उस बालक वास्ते सतगुरु गुरु नानक साहब वास्ते। देओ मात पित बहु समझाए। ते माता पिता जी नूं उस बालक बारे लिख करके जो जन्म पत्री पुरातन समय च भारत काल दे विच लिखदे सी, अज भी कई थावां दे उत्ते जन्म पत्रियां लिखियां जांदियां, ओ लिख करके गुरु नानक साहिब दी जन्म पत्री माता पिता नूं समझाउण लगा। पंडित कै इस अदबर खायो। ते नाल ए वी कहा कि इस नूं मामली बालक आम बालकां वर्गा ना समझियो, दिलों अदब सत्कार करियो। ए कोई पुरख पूरन है आयो। क्योंकि इहदे विच जिहड़ी रूह वरत रही है कोई मामली रूह नहीं, ए कोई पूरन पुरख है, कोई रब्बी अवतार है। नेहे कलंक जन जय पियो आप। सचमुच मेनू इस तरह जापदा जिवें नेह कलंक अवतार खुद संसार दे तख्ते ते आ गया। नेह कलंक अवतार तो भाव जिनू कलंक कोई नहीं, दुनिया दे विच हर एक इंसान नू कलंक लग्या। जो जो दिसै सो सो रोगी, रोग रहत मेरा सतगुर जोगी। भुलण अंदर सब को अभुल गुरु करतार। दुनिया विच हर एक बंदे नू कलंक है, हर एक बंदे विच ऐब ने, पर जे कोई बेऐब है जे कोई नेह कलंक है ते खालसा जी सतगुरु गुरु नानक साहब ने अकाल पुरख वाहिगुरु परमात्मा आप है। पंडित कहन लगा पंडित हरदयाल कि ए नेह कलंक अवतार है, रब्बी पुरश है, इन्हां दा दिलों अदब सत्कार रखना। जापत इस कोई तो प्रताप। जेड़ा भी इन्हां दा नाम लवेगा इन्हां दा प्रताप भी वधेगा, इन्हां दा नाम लैण वालियां दा भी प्रताप वधदा रवेगा। नकार अक्षर उन मोहरे तरायो। क्योंकि इन्हां दे जो नक्षत्र ने ओ बड़े भले हन। क्योंकि पंडित ने अपने टेवे मुताबक दसना सी, कहन लगा नक्षत्र ग्रह ओ सारे इन्हां दे चरण परस रहे हन। नेह कलंक ते नानक कहायो। ता उस वक्त टेवा ला करके जो उन्हें पहला अखर नन्ना आया, उस नन्ने अखर मुताबक सतगुरु गुरु नानक साहब जी का नाम नानक रखिया गया। सो खालसा जी भाई साहब भाई रतन सिंह जी पंगू कहिंदे पंडित हरदयाल जी ने नेह कलंक अवतार नूं नानक नाम दिता, ते कहिंदे ओ पंडित हरदयाल ने नाम नहीं दिता, इंज जापदा सी जिवें अकाल पुरख वाहिगुरु परमात्मा ने खुद ही हुक्म करके रहमत वरता करके अपने आप नूं नानक अखवाया है, नानक सदवाया है। क्योंकि भाई साहब भाई नंद लाल साहब जी ने फारसी दे विच गुरु नानक साहब दे नाम दे अर्थ किते। सानू ते लगदा केवल नन्ना कन्ना नन्ना ते कक्का अखर जोड़ के नानक शब्द बन गया, पर भाई नंद लाल जी कहंदे जदों गुरु नानक साहब दा नाम रसना ते आवे ते चेते रखी
हर दो नून नाम नाव नाकिश पै नसीर। भाई साहब भाई नंद लाल साहब कहंदे इह जो गुरु नानक साहब दे नाम दे अखर दे दो नन्ने ने, जेड़ा पहले नन्ना है इस नाम दा, ओ संसार दे लोकां नूं नियामतां बख्शण वाला है, संसार दे लोकां नूं वडियाईयां देण वाला है। वह काफे आखरीन कबीर, और कहंदे दूसरा अखर संसार दे लोकां दियां भुल्लां बख्शाउण वाला है, ते जो कबीर कबीर शब्द दा भाव है सब तो वड्डा, सब ते वड्डा सतगुर नानक जिन कल राखी मेरी। भाई नंद लाल साहब कहंदे गुरु नानक साहब दे नाम दे अखर विच आया कक्का इस गल दी हामी भरदा है कि इस तो वड्डा संसार दे तख्ते ते होर कोई भी नहीं। सब तो वड्डी ताकत है गुरु नानक साहब दी, ते जेड़ा भी रसना तो सतगुरु गुरु नानक साहब नूं धन कह देंदा है, गुरु नानक साहब नूं चेते कर लैंदा है, कहंदे रब्बी दरगाही प्रसन्नता दे बूहे उस सिख दे जीवन विच खुल जांदे हन। जो को उपाय पावे दर्शन आए, कहंदे जेड़ा भी इस बालक दे सतगुरु गुरु नानक साहब दे आके दीदारे करेगा ओए प्रसन्न वो मोहयो जाए, कहंदे आउंदे ही सतगुरु गुरु नानक साहब दे दीदारे करदे ही सारियां सुखां दियां दातां मिल जांदियां। खालसा जी जेड़ा मन बेचैन रहिंदा है मन दी बेचैनी दूर हो जांदी है, आत्म प्रसन्नता मिल जांदी है, ते दिल गुरु नानक साहब दे प्रतापी मुखड़े वल इलाही जलाली मुखड़े वल मोहया जांदा है। कई बार वो देखे ओ चाहे, सतगुरु गुरु नानक साहब दा एक बार जड़ा दीदारे कर लवे दर्शन कर लवे ओ बार बार लोचदा के ऐ सतगुरु गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह मैनू एक बार होर दीदारे करा दे। भाई मरदाना जी नूं जदों पुछिया सी ना कि दस तेनू चाहीदा की है, ते सतगुरु गुरु नानक साहब दे मुखड़े वल वेख के भाई मरदाना जी कहण लगे बाबा मोको विछोड़ना नाहे, मेरी एहो अरदास है मैनू अपने तो दूर ना करी, मैं जिथे भी होवां बस मेरी नेत्रां दे अगे मेरियां अखां दे अगे तेरी ए नूरानी ए प्रतापी मूरत सदा टिकी रवे, मैं सदा तेरे दीदारे करदा रवां क्योंकि एक घड़ी ना मिलते ਤਾਂ ਕਲਯੁਗ ਹੋਤਾ ਹੁਣ ਕਦ ਮਿਲੀਐ ਪ੍ਰੇ ਤੁਧ ਭਗਵੰਤਾ ਮੋਹਿ ਰਹਿਣ ਨਾ ਵਿਹਾਵੈ ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਵੈ ਬਿਨ ਦੇਖੇ ਗੁਰ ਦਰਬਾਰੇ ਜੀਓ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੀਦਾਰੇ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਮੇਰੇ ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਮੇਰੇ ਤਨ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ ਦੇਖਤ ਦਰਸ਼ਨਾ ਉਸ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਹੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੀਦਾਰੇ ਕਰਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਇਸ਼ਾਵਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿਉਂ ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਦੋਹਰਾ ਕੋ ਕਹੇ ਐ ਭਲੋ ਸਿੱਧ ਕੋ ਕਹੇ ਅਵਤਾਰ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚੌਜ ਵੇਖ ਕੇ ਕੌਤਕ ਵੇਖ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਸਿੱਧ ਪੁਰਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਅਵਤਾਰ ਹਨ ਕੋ ਕਹੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਐ ਹੋਗੋ ਸੋ ਛਤਰਧਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਤਕ ਵੇਖ ਕੇ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਤਾਪੀ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਦੇ ਸੀਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਦਾ ਹੀ ਛਤਰ ਝੁਲਦਾ ਰਹੇਗਾ ਇਹ ਛਤਰਧਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸੱਚ ਹੈ ਅੱਜ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਤਖਤੇ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਇਲਾਹੀ ਪ੍ਰਤਾਪੀ ਚਿਹਰਿਆਂ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਹੀ ਦਰਗਾਹੀ ਛਤਰ ਝੁਲਦੇ ਹੀ ਪਏ ਨੇ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਝੁਲ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਝੁਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰ ਦੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੀਦਾਰੇ ਕਰਦਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦਾ ਇਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀਸ ਤੇ ਸਦਾ ਛਤਰ ਝੁਲਿਆ ਕਰਨਗੇ ਚੌਪਈ ਧੰਨਵਾਨ ਕਹੇ ਦੇਹੀਏ ਜਾਹੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਦੀਦਾਰੇ ਕਰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਧਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਦੌਲਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਧਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਦੌਲਤਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਦੌਲਤ ਬਾਬੇ ਦੀ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਤੋਂ ਲੁਟਾ ਦਿਆਂ ਕਿੰਨੀ ਕੇ ਪਿਆਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਹੋਏਗੀ
किन्ना के प्रतापी चेहरा होवेगा गुरु नानक साहब दा के राय बुलार अपनी सारी जायदाद बाबे दे प्रतापी मुखड़े तो लटाउण नूं तैयार हो गया। खालसा जी ए भावना किते होवे प्यार होवे मैं बेनती करां नितनेम करदे बाणी पढ़दे ए अज दे हालात ने फोन आ जावे किसे दा सुनेहा आ जावे जपजी साहब छड दिंदे आ विच ही पर इस तरह ना करिए बल्कि जपजी साहब पढ़दे भावना इस तरह करिए कि अज सामने भावें संसार दी सारी दौलतां दे सुनेहे आ जाण मैं संसार दीआं दौलतां नूं ठोकर ते मार सकदा पर बाबे दा जपजी साहब नहीं छड सकदा। जपजी साहब संपूर्ण करके गुरु नानक साहब दे चरणां दे विच अरदास करके फिर ही कोई काम करांगा। सो इस भावना नाल जिद्दन बाणी पढ़ांगे ते रहमत किरपा जरूर वरतेगी। निर्धन कहे तन इत सेव आए कहंदे अमीर लोकां दा ते दिल करदा सी भी सारी दौलत बाबे नानक दे चरणां तों लुटा दईए ते जिन्हां कोल धन नहीं जिहड़े निर्धन ने ओह गुरु नानक साहिब दे चरण परसदे ने खालसा जी ते उहनां नूं धन मिल जांदा है रहमतां हो जांदियां सुख मिल जांदे ने। ਕੋਉ ਕਹੇ ਇਸ ਸੇਵ ਪ੍ਰਤਾਪ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਮੀ ਭਰਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਦਿਨ ਬਾ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ ਰਹਿਮਤ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਤਖਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿਮਤਾਂ ਵਰਤ ਰਹੀਆਂ। ਆਪ ਸਾਰੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਜੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਅਨੁਭਵ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਆ ਕੇ ਝਾੜੂ ਫੇਰ ਲਵੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਤੇ ਝਾੜੂ ਫੇਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜ ਲਵੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਰਹਿਮਤਾਂ ਉਹਦੇ ਮਨ ਰੂਪੀ ਭਾਂਡੇ ਨੂੰ ਮਾਂਜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਵਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਂਜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਜੋੜੇ ਝਾੜ ਕੇ ਸੰਗਤ ਦੀ ਚਰਨ ਧੂੜੀ ਕਿਤੇ ਮੱਥੇ ਨਾਲ ਲਾ ਲਵੇ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਉਹ ਚਰਨ ਧੂੜੀ ਸੋਨੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ। ਸੁਖਨਾ ਸੁਖੇ ਮੁਰਾਦਾ ਪਾਵੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੇਰੀ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਵੋ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁੱਖ ਮੰਗਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਹੀ ਭਰੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਵਡਿਆਈ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੋਟ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦੇ ਤੋਟ ਨਾ ਆਵੇ ਵੱਧ ਦੋ ਜਾਈ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਵੇਖੋ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਤਖਤੇ ਤੇ ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰ ਔਲੀਏ ਅਵਤਾਰ ਦੇਵਤੇ ਗੰਧਰਵ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਪਰ ਸਾਰੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਡੇਰੇ ਬਣਾ ਕੇ ਗੱਦੀ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੁਖੀ ਲੋਕ ਆਉਣਗੇ ਅਸੀਂ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਵਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਪੁਕਾਰ ਕਰਨਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸੁੱਖ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮਾਣ ਨਾਲ ਕਹੀਏ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਡੇਰਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਦੀ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਬਲਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਚੇਤਾ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੇਰੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਵੀ ਕੋਈ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਬਣ ਜਾਵੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਘਰ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਉਹਦੀ ਅਰਦਾਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਦੇ ਨੇ। ਜਿਮ ਜਿਮ ਸਤਿਗੁਰ ਕਲ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਕਲਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੋਜ ਵਰਤਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤਿਮ ਤਿਮ ਲੋਕ ਸੋ ਦੇਖਣ ਆਵੇ ਬਸ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਉਂ ਤਿਉਂ ਲੋਕ ਵੱਧਦੇ ਆਉਂਦੇ ਭਾਈ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਵੱਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੀਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਚਿਤ ਚਿਤ ਵੇ ਸੋ ਸੁਣਾਏ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁਰਨਾ ਧਾਰ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦਾ ਫੁਰਨਾ ਜਾਣ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਪੁਰਖ ਵਿਧਾਤੇ ਸਰਧਾ ਮਨ ਕੀ ਪੂਰੇ ਇਹ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਸੋਚ ਕੇ ਆਵੋ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਣਦੇ ਨੇ।
अगम निगम की बात बताए। कहिंदे अगम निगम दियां दरगाह दियां बातां संसार दे लोकां नूं दसदे ने, दरगाह दी खेड दसदे ने, नाम दी वड्याई दसदे ने, इबादत बारे दसदे ने। कालू के मन पुत्तर पाए। पर कहिंदे संसार दे तख्ते ते लोक सतगुरु गुरु नानक साहिब दी जय जयकारा करदे आ, पर गुरु नानक साहिब महाराज जी दे जो पिता जी मेहता कालू जी ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਾਲਾ ਮੋਹ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਚਾਹੇ ਕਰਾਈ ਕਾਰ ਹੁਣ ਪਾਏ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਕਰੇ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕਾਰਾਂ ਵਿਹਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਰੁਚੀ ਵਧਾਵੇ। ਆਗਿਆ ਪਿਤ ਕੀ ਮੋੜੇ ਨਾਹੀਂ। ਹਰ ਇੱਕ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਕੰਮ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਵੰਡਾਉਣ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਾਲੂ ਜੀ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸੋਚਦੇ ਇਹ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਚੀ ਵਧਾਉਣ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਕਿਤੇ ਰੋਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ, ਬਲਕਿ ਜੋ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਤ ਬਚਨ ਕਹਿ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਖਿਣ ਮਾਤਰ ਬੇਨਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਦੇ ਕੱਟਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਕਾਹੇ ਪੂਤ ਝਗਰਤ ਹੋ ਸੰਗ ਬਾਪ, ਜਿਣਕੇ ਜਣੇ ਵਡੇਰੇ ਤੁਮ ਹੋ ਤਿੰਨ ਸਿਉ ਝਗਰਤ ਪਾਪ। ਪਾਪ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜੇ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਕਰੇ, ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਨਾ ਮੰਨੇ। ਵੇਖੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰੱਬ ਨੇ, ਖੁਦ ਖੁਦਾ ਨੇ, ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰੋਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਮੁਖੜੇ ਤੇ ਥੱਪੜ ਵੀ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਅੱਗੋਂ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਉਸੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿੱਤ ਵੱਲ ਤੋਰੇ ਤਿੱਤ ਵੱਲ ਜਾਹੀ। ਜਿੱਧਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿਤਾ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਤੋਰਦੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਉਸੇ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਤਨਾਮ ਜਕ ਜਪ ਮੁਕਤੇ ਕਰੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਬਲਕਿ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਸਫ਼ਰ, ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਕੱਟਦੇ ਨੇ। ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਕਹਿ ਬਚਨ ਉਚਰੈ। ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹੀ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਕਰਤਾ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਦੀ ਵਡਿਆਈਆਂ ਦੇ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਯਹੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਭ ਬਲਨ ਦੇਵਾ। ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੀ ਖੇਡਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਬਲਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਚੌਂਕੜਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬੈਠੋ ਚੌਂਕੜਾ ਲਾ ਕੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਤ ਕਰਤਾਰ ਦੀ ਧੁਨੀ ਛੇੜੋ, ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਧੁਨੀ ਛੇੜੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਤਨਾਮ, ਸਤ ਕਰਤਾਰ ਦੀ ਧੁਨੀ ਅਲਾਪਦੇ, ਗੁਰਮੰਤਰ ਦਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਤ ਕਰਤਾਰ ਉਨ ਮੁਖੋਂ ਕਹਾਵੇ। ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਤ ਕਰਤਾਰ, ਸਤਨਾਮ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰੋ। ਦੋਹਰਾ ਕੀਓ ਤੰਤਾਰੋ ਕਾਨ ਮਰਦਾਨੇ ਦਿਓ ਫੜਾਏ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਐਸਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਆਇਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਰਾਂ ਦੇ ਆਈ ਦੁਤਾਰਾ ਬਣਾ ਕਰਕੇ, ਕਾਨਿਆਂ ਦਾ ਦੁਤਾਰਾ ਬਣਾ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਹ ਕਾਨਿਆਂ ਦਾ ਦਤਾਰਾ ਮੈਂ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਤੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਪਕੜ, ਇਸ ਨੂੰ ਵਜਾ, ਮੈਂ ਸਤ ਕਰਤਾਰ ਦੀ ਧੁਨੀ ਛੇੜਾਂਗਾ ਤੇ ਤੂੰ ਮਗਰੇ ਦੁਤਾਰੇ ਨੂੰ ਵਜਾਉਣਾ ਕਰ। ਵਜਾਏ ਸ਼ਬਦ ਬਹਿ ਗਾਵਈ
सब बालन सातर लाए। ते कहंदे बच्चियां नू नाल लै करके भाई मरदाने ने कानिया दा बना दतारा वजाउणा ते सतगुरु गुरु नानक साहिब महाराज ने सच्चे पातशाह ने परमात्मा दी सिफत दे शब्द गाउणे रब दी सिफत करनी वडियाई करनी। चौपाई जे सब बालन कथा लिखाई। भाई रतन सिंह भंगू कहंदे बड़े चोज गुरु नानक साहिब ने बाल अवस्था विच वरताए हन। बड़े ग्रंथ बड़े अंत न पाई। पर जे कल्ले कल्ले चोज बारे दसन लग जाइए ते ग्रंथ बहुत वध जावेगा। या ते मैं अब सुच सो कहूं। सो इस करके मैं केवल ते केवल झलक मात्र चोज गुरु नानक साहिब दे कोतक दस रहा हां। बीज मंत्र कुछ लिखियो चहो। ए बीज मंत्र दी तरह काम करेगा जिवें संसार ते आपां वेखदे खेती करन वाले एक बीज जमीन दे विच बोंदे ने पर खालसा जी उस एक बीज दे विचों किन्ने फल निकल जांदे ने। ओ बीज किन्ना वड्डा आकार धारण करदा है किन्ना वड्डा रूप धारण करदा है। भाई रतन सिंह भंगू कहंदे मैं झलक मात्र साखियां दस रहा पर सच है जिहड़ा प्यार दे नाल इन्हां झलक मात्र साखियां नूं सुनेगा जां सुनावेगा ए बीज मंत्र दी तरह काम करनगे इस एक साखी दे विच्चों सतगुरु गुरु नानक साहिब सच्चे पातशाह वास्ते होर भी प्रेम प्रगट होवेगा। जिम बालन सो खेड खड़ाई। किस तरह गुरु नानक साहिब महाराज सच्चे पातशाह बच्चियां दे नाल अगम्मी खेडा करदे ने। खेती उजाड़ी फिर अजमाई। किवें पहला खेती उजाड़ देंदे ते फिर हरी भरी भी कर देंदे। आपां नूं पता इतिहास दे विच आउंदा है कि सतगुरु गुरु नानक साहिब दे पिता जी मझां चारन वास्ते सतगुरु गुरु नानक साहिब नूं भेजदे ने ते सच्चे पातशाह रुखां दी छावें खालसा जी चौंकड़ा ला करके सत करतार दी धुनी छेड़दे ते मझां जिमीदार दे खेत विच जा करके सारी फसल तबाह कर दिंदियां खेती उजड़ जांदी है। ते जदों जिमीदार नूं पता लगा कि इस तरह महते कालू दे पुत्तर ने मझां गाइयां मेरे खेतां दे विच वाड़ दित्तियां उन्हें जा करके फिर राय बुलार नूं शिकायत लगाई ते जदों राय बुलार ने महता कालू जी नूं सद्या तां महता कालू जी भी एक बार क्रोध विच आए पर जिस वक्त सतगुरु गुरु नानक साहिब महाराज नूं आके पिता महता कालू जी झिड़क देंदे ने कि आ की कारा कर दिता ते सतगुरु गुरु नानक साहिब महाराज कहंदे कि जे खेती उजड़ी होवे तां फिर मैनूं दोष देना पर एक बार जाके पता ते करो खेती उजड़ी भी है कि वसदी पई है। ते जदों खालसा जी राय बुलार ने खुद आके वेख्या कि खेती तां उजड़ी ही नहीं खेती तां उसे तरह हरी भरी है खेत उजड़े नहीं उसे तरह वसदे पए ने कहंदे राय बुलार पिता महता कालू ते होर भी वजीर ओ तां वापस चले गए ते जिमीदार गुरु नानक साहिब नूं पुछदा कि मैं अपनियां अखां नाल वेख्या सी इह तां उजड़ गए सन इह खराब हो गए सन खेत ए दोबारा हरे भरे किवें हो गए ते गुरु नानक साहिब महाराज कहन लगे वीरिया जेड़ा रब दा नाम लैंदा है सत करतार नूं चेते करदा है सत नाम नूं चेते कीतियां उजड़ी दा नहीं बल्कि सत नाम नूं चेते कीतियां ते वसदे रहिंदा है जेड़ा सत नाम नूं चेते करदा कदे उजाड़े विच नहीं जांदा ओह ते सदा चढ़दी कला विच रहिंदा है। जिम बलवंड सो बाबा देखा। कहंदे फिर बलवंड तो भाव राय बुलार ओ किवें सतगुरु गुरु नानक साहिब जी दे दीदारे करदा है। शाम करत सुफन सो पेखा। के राय बुलार रस्ते विचों लंघ रहा सी ते वेख्या सतगुरु गुरु नानक साहिब महाराज रुख दी छावें विश्राम कर रहे ते सच्चे पातशाह दे उपर फणियर नाग आ करके छां दे रहा सी क्योंकि सूरज दा मुख गुरु नानक साहिब वल सी। जदों ए कोतक वेख्या ते एक वार घबरा भी गया कि किते ए नाग गुरु नानक साहिब नूं पिता महता कालू जी दे पुत्तर नूं कोई नुकसान ना पहुंचावे पर जदों कोल आया ते खालसा जी उही नाग गुरु नानक साहिब महाराज जी दे चरणा ते मत्था टेक के अलोप हो गया। और अचंबे किते भए। राय बुलार दे नाल गुरु नानक साहिब ने बड़े कोतक वरताए बड़े चोज वरताए। सुने राय किसी अखी दिखे। कहंदे कुछ तां राय बुलार ने लोकां तो सुने सी
भी जो मेहता कालू दा पुत्तर कह दिंदा सच हो जांदा ते जिदे वल मेहता कालू दा पुत्तर निगाह कर दिंदा उदे घर दे विच सुख सहूलतां आ जांदियां। कुछ तो सुने सी ते कुछ मेहता कालू दे पुत्तर दे कोतक भाव गुरु नानक साहब दे कोतक राय बुलार ने अपने अखी वेख ले। जिम कर राए मन पति आयो कहंदे जदो अखी गुरु नानक साहब दे कोतक वेखे ते राय बुलार भी गुरु नानक साहब दा श्रद्धालू हो गया। सद कर नानक आदर करवायो कहंदे बड़े अदब सत्कार सहित गुरु नानक साहब महाराज नू अपने महलां विच बुलाया ते सतगुरु गुरु नानक साहब दे चरणा ते मत्था टेकदा है। सतगुरु गुरु नानक साहब दी जय जयकार करदा है राय बुलार। दोहरा सद बलवंड आदर कियो पुत्र पोए दियो सो पाए कहंदे सतगुरु गुरु नानक साहब महाराज सच्चे पातशाह दा ऐसा अदब सत्कार किता के गुरु नानक साहब नू ते उच्चे तख्ते ते बिठाया उच्ची थां ते बिठाया ते आप अपने पुत्रां समेत अपने परिवार समेत नीचे बैठ गया हेठां बैठ गया। ए अदब सत्कार हुंदा है खालसा जी सतगुरु दा। सतगुरु नूं सदा उच्चियां रखिया जांदा है क्योंकि सतगुरु है भी उच्चे। वड्डा तेरा दरबार सच्चा तुद तखत कहंदे गुरु नानक साहब दा अदब सत्कार करदा गुरु नानक साहब नूं उच्ची थां ते आसन लगा करके शुभायमान कीता ते आप हेठां जमीन ते बैठिया। अंदर बाहर सत्र मद नानक खेडे ताए ते कहंदे गुरु नानक साहब महाराज नूं कहन लगा अज तों बाद तुसी जो मन दे विच मौज आवे करो तुहानू कोई रोकेगा नहीं क्योंकि ए सारी धरती तुहाडी है। सोरठा पाई बड़ाई राय पारस लो तत वीर शो कहंदे ने राय बुलार ने वड्याईयां पा लईयां गुरु नानक साहब दे चरणा नू छू करके गुरु नानक साहब दी सेवा करके। सच है बड़े हाकम होणगे खालसा जी तलवंडी दे आले दुआले पर राय बुलार दा नाम अज भी जिंदा क्योंकि गुरु नानक दी शरणी आ गया। दई सो मरी सुनाए दिल्ली बजीरी उन लबी कहंदे ने सतगुरु गुरु नानक साहिब महाराज सच्चे पातशाह दी वडियाई सतगुरु सच्चे पातशाह जी दे चोज इसे तरह मरी कप्तान नू दसी जा रहे ने। चो पई जब बाबा जी पए होशियार कहंदे जदो सतगुरु गुरु नानक साहिब महाराज जी ने होश संभाली है पढ़न बहाए पांदे द्वार ता उस वक्त पिता मेहता कालू जी पांदे पास गोपाल पांदे पास गुरु नानक साहिब नू पढ़न वास्ते भेजदे ने। जिम पादा दियो बाबे पढ़वाए ते कहंदे किस तरह हुण गोपाल पांदा चाहुंदा सी गुरु नानक साहिब नू पढ़ाउणा पर इत्थे ते सर्व कला समर्थ सतगुरु है घट घट के अंतर की जानत भले बुरे की पीर पछानत समुचियां विद्या नू बनाउण वाला भाषावां दा ज्ञाता गुरु नानक साहिब है ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਪਾਲ ਪਾਂਦਾ ਪੜਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਖੀ ਦਈ ਮਰੀ ਸੁਣਾਏ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਹ ਸਾਖੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਰੀ ਕਪਤਾਨ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਗੋਪਾਲ ਪਾਂਦੇ ਨੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦਾ ਅੱਖਰ ਪੱਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ ਰੱਬ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਮਹਾਤਮ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੋਪਾਲ ਪਾਂਦਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਉਹਨਾਂ ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਪੱਟੀ ਉਚਾਰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸੱਸੈ ਸੋਏ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਜਿਨ ਸਾਜੀ ਸਭਨਾ ਸਾਹਿਬ ਏਕ ਭਇਆ ਸੇਵਤ ਰਹੇ ਚਿਤ ਜਿਨਕਾ ਲਾਗਾ ਆਇਆ ਤਿਨਕਾ ਸਫਲ ਭਇਆ ਚਿਤ ਚੇਤਸ ਕੀ ਨਹੀਂ ਬਾਬ ਰਿਆ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੋਪਾਲ ਪਾਂਦੇ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਪੱਟੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਅੱਖਰ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਤੇ ਉਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤੀ ਤੇ ਗੋਪਾਲ ਪਾਂਦੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੇ ਕੁਝ ਲਿਖਣਾ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰ ਜਾਲ ਮੋਹ ਘਸ ਮਸ ਕਰ ਕਰ ਕਾਗਦ ਕਲਮ ਸਾਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਗੋਪਾਲ ਪਾਂਦੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕੁਝ ਲਿਖਣਾ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਮੋਹ ਮਮਤਾ ਨੂੰ ਸਾੜ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਹੀ ਬਣਾ ਕਰਕੇ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਕਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਦੇ ਕੋਰੇ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਦੇ
अकाल पुरख वाहेगुरु की सिफत दे अखर लिखने कर। सो सतगुरु गुरु नानक साहब महाराज किस तरह कल नू गोपाल पांधे नू उपदेश देंदे ने ओ आपां कल दे दिन विच सरवण करांगे। विचार करदियां नेका भुल्लां होईयां आप जी ने बख्शना, अरदास करनी जो सुनिया जो सुनाया ओ आपां अपने जीवन दे विच कमा सकीए। सच्चे पातशाह कृपा करके इसे तरह इतिहास की कथा च हाजरियां भरवाउंदे रहन। आओ अखीर दे विच गुरु नानक साहब नू हाजर जान के शब्द का जाप करके फतेह दी सांझ पाईए जी। प्रेम नाल उचारण करो, हे चुत हे पार ब्रह्म अविनाशी अगनास, हे पूरन हे सर्ब मैं दुख भंजन गुण तास, हे संगी हे निरंकार हे निर्गुण सब टेक, हे गोविंद हे गुण निदान जाकै सदा बिबेक, हे अपरंपर हर हरे हैपी होवन हार, हे संत हे के सदा संग निदारा आधार, हे ठाकुर हों दासरो मैं निर्गुण गुण नहीं कोए, नानक दीजै नाम दान राखो ही है, आए प्रभ शरणागति कृपा निद दयाल, एक अखर हर मन बसत नानक होत निहाल, कथा निता प्रत होत है सुनो सो सिंह सुजान, नानक गुरु गोबिंद सिंह जी सदा करें कल्याण, नानक गुरु गोबिंद सिंह जी सदा करें कल्याण। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु प्यारी साध संग जी बड़े बड़े भागां वाले हो जो गुरु महाराज के दर ते आके हाजरियां भर रहे हो, आप जी नूं कथा सरवण करवा रहे सन भाई सुखजीत सिंह जी कन्हैया 96 करोड़ी बुढ़े दल दे मुख प्रचारक, जिन्हां दे उत्ते बड़ी अपार बख्शिश है। बहुत ही प्यार दे नाल आप जी नूं कथा सरवण